स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस एनाफिलैक्टिक शॉक। किसी भी पेशेंट को अगर ड्रग इंड्यूस्ड एनाफिलैक्टिक शॉक है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। ऑप्शन है डोपामाइन, एड्रिनालिन, डाइजॉक्सिन एंड प्रोटामाइन सल्फेट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, एड्रिनालिन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज जनरली प्रिफर्ड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। इसमें क्या है, हम लोग बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए मेनली कौन सी बोन्स प्रेफर करते हैं, बोन मैरो को निकालने के लिए कौन सी बोन प्रेफर की जाती है। ऑप्शन है इलियक क्रस्ट, ह्यूमर्स, फीमर, टिबिया फिबुला। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, इलियक क्रस्ट। नेक्स्ट वन इज कैटगट इज, ऑप्शन है हमारे सिंथेटिक एब्जॉर्बर सूचर, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बर सूचर, नेचुरल एब्जॉर्बर सूचर, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बर सूचर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, नेचुरल एब्जॉर्बर सूचर। हमारा जो कैटगट होता है वो क्या होता है, नेचुरल एब्जॉर्बर सूचर होते हैं। कैटगट क्या होता है, जो भी बॉडी में कहीं भी कट हो जाता है, जैसे कि बॉडी स्किन कहीं भी कट गई है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो टाँके लगाते हैं उसमें जो थ्रेड यूज़ किया जाता है उसको कैटगट बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन टेम्परेचर इज असेस्ड फर्स्ट बाई एक्जिला एंड देन रेक्टम, इन बोथ कंडीशंस डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर वैल्यू विल बी। यहाँ पे क्या है, अगर किसी पेशेंट का एक्जिलरी टेम्परेचर लेंगे और उसका रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ पे दोनों के बीच में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्जिलरी जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड जो रेक्टल का होता है वो कितना होता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडिमा, पेन एंड कूलनेस एट द आईवी साइट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। यहाँ पे क्या है, एक पेशेंट में एडिमा, पेन एंड कूलनेस देखने को मिल रहे हैं पेशेंट में, तो यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि ये किस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा आईवी कैनूला हम लोग जब डालते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, किसी भी पेशेंट में अगर आईवी डालेंगे, आईवी कैनूला, तो वहाँ पे ये सारे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये क्यों हो जाते हैं, किसकी वजह से ये सारे सिम्टम होंगे, तो हमारे ऑप्शन है इन्फेक्शन, इनफिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड एंड एयर एम्बोलिज्म। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, मतलब कोई भी वहाँ पे जो फॉरेन सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द सब्सटेंस विच आर यूज टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज टर्म्ड एज। यहाँ पे क्या है, वो कौन सा सब्सटेंस है वो हमें सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि पॉइजन के इफेक्ट को काउंट्रैक्ट, मतलब रोकने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, एंड्रोजन्स, एंटीडॉट एंड एंटीमेटिक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एंटीडॉट। एंटीडॉट का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में कहीं भी कुछ पॉइजन हो जाएगा तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसके अगेंस्ट हम लोग जो ड्रग देंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीडॉट। जैसे कि किसी को स्नैक ने सांप ने काट लिया तो हम लोग क्या देंगे, वहाँ पर एंटीविनम देंगे, उसके जहर को कम करने के लिए हम लोग क्या देंगे, एंटीविनम देंगे। या फिर जैसे कि किसी ड्रग का ओवरडोज़ हो गया हमारे बॉडी में, लाइक पैरासीटामॉल बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ हो गया बॉडी में, तो हम लोग उसका एंटीडॉट क्या देंगे, एनसिस्टाइल एसिटिक एसिड। ऐसे ही एक हेपेरिन हो गया, हेपेरिन बहुत ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में उसका लेवल, तो हम लोग उसके अगेंस्ट एंटीडॉट क्या देंगे, प्रोटामाइन सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेरिन का एंटीडॉट अक्सर पूछते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजंस, सॉरी पोजिशंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी। यहाँ पे क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी के लिए हम लोग कौन सी पोजिशन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन है लिथोटमी, इरेक्ट पोजिशन, नी चेस्ट एंड
सुपाइन पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कौन सी पोजीशन देंगे, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा नी चेस्ट। सिग्मोइडोस्कोपी क्या होता है, हमारा सिग्मोइड कॉलन जो होता है उसको विजुअलाइज करने के लिए, जो हम लोग देख मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है क्या, कोई दिक्कत हो रही है पेशेंट को, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, नी चेस्ट पोजीशन से वो अच्छे से हम लोग विजुअलाइज कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट है, ड्रग्स यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेक्रेशन ऑफ बाइल इज़, यहाँ पे क्या है, बाइल के सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग जो ड्रग यूज़ करेंगे उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन है बायोलॉजिकल, कैथार्टिक्स, कोलेजन्स एंड कॉस्टिक्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कोलेगस। नेक्स्ट वन इज, ड्रग्स दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू एंड अरेस्ट सेक्रेशन, यहाँ पे क्या है, हमें उस ड्रग का नाम बताना है जो कि टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो उसका जो सेक्रेशन है उसको रोक देते हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है एंटासिड, एंटीसेप्टिक्स, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी कोएगुलेंट्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या करता है, ये एक टॉपिकल एजेंट होता है जो कि बॉडी के ऊपर या स्किन मेम्ब्रेन जो भी है वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये जहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पर ये क्या करता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस होती है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लोग इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो गैस है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे ड्रग। तो ऑप्शन है एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स एंड इमेटिक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, कार्मिनेटिव्स। नेक्स्ट वन इज, ब्रोमोक्रिप्टीन कैन बी यूज टू ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस और डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या है, जो ब्रोमोक्रिप्टीन है हमारा वो सभी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। नेक्स्ट वन इज, ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ठीक है, कौन सा ड्रग है जो कि स्वेट ग्लैंड के एक्शन को बढ़ा देता है। तो हमारे ऑप्शन है डायफोरेटिक्स, डायरोटिक्स, डाइजेस्टेंट एंड एक्बेलिक्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, डायफोरेटिक्स। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है, दो टाइप की एक्सरसाइज होती है, एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज में क्या रहता है कि पेशेंट खुद से एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन पैसिव एक्सरसाइज में क्या रहता है, उसे हेल्प की ज़रूरत होगी, उसे असिस्टेंट की ज़रूरत होगी तभी वो एक्सरसाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अनदर पर्सन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज टू डायलेट प्यूपिल्स, यहाँ पे क्या है, प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे। ऑप्शन है माइड्रियाटिक्स, मायोटिक्स, कैराटोलाइटिक्स एंड स्कैबिसाइड्स। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, माइड्रियाटिक्स, माइड्रियाटिक्स। और अगर यहीं पे हमारा क्वेश्चन पूछते कि प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर मायोटिक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर लैक्टेटिंग मदर, इसमें से कौन सी ड्रग है जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब उसको हम लोग नहीं देंगे। लैक्टेटिंग मदर का मतलब होगा जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बेबी को। ऑप्शन है हमारा क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एंड एमिकासिन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन इज नोन एज, यहाँ पे क्या है, कोई भी ड्रग हम लोग स्किन पे जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन है इन्हेलेशन, इंसर्शन, इंस्टिलेशन एंड इनेंशन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, इनेंशन। इन्हेलेशन मतलब क्या होता है, हम लोग नोज के थ्रू उसको इन्हेल करते हैं। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, बॉडी में, बॉडी कैविटी में इंसर्ट की गई है दवाई। नेक्स्ट है इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जो ड्रॉप ड्रॉप डालते हैं जैसे आँख में कान में, तो हम लोग ड्रॉप करके डालते हैं दवा, तो उसको इंस्टिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एस एल ई इज सिस्टेमिक ल्यूप्स एरिथमेटस, तो ये क्या हो जाएगा इसका,
ऑप्शन है एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ए कार्डियक डिसऑर्डर एंड एन एलर्जिक रिएक्शन। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, एन ऑटोइम्यून डिसीज। नेक्स्ट वन इज 1 गैलन इज इक्वल टू, तो इसका जो ऑप्शन है 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml एंड 5000 ml। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी 4000 ml। नेक्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट इज अ यूरिन सैंपल इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, जो बेनेडिक्ट टेस्ट है हम लोग किस चीज़ को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग यूरिन का टेस्ट करते हैं, उसका नाम बेनेडिक्ट टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ऑप्शन है हमारा स्टोन, ग्लूकोज, बाइल सॉल्ट एंड प्रोटीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी ग्लूकोज। बेनेडिक्ट टेस्ट में हम लोग ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द कोलन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर परमानेंट कोलोस्टमी, यहाँ पे क्या है, हमारे इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि परमानेंट कोलोस्टमी के लिए सही माना जाता है। तो हमारे ऑप्शन है असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड इलियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी डिसेंडिंग कॉलन। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।